विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित शिक्षागण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग श्री अंगारिक धर्मपाल जी का जन्म दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं मुस्कान महाबोधि विद्यापीठ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय भंते जी, हम सब जानते हैं भगवान बुद्ध प्रेम और समानता के संदेश दाता और सच्चाई के अग्रदूत थे। यह उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने अपने काल में जात पात धार्मिक आडंबरों को बलबाला था, तब उन्होंने सभी धार्मिक बुराइयों, जात पात, छुआछूत और बुरी रीति रिवाजों का विरोध किया। प्रिय उपस्थित जनों, हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध को हिंसे से क्या भी पाया था। ये भी समझने की पहली बात है कि यदि भगवान बुद्ध को भिक्षा में मांस मिल जाए तो वह ग्रहण कर लेते थे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती थी। इस कथन से यही मतलब निकलता है कि भगवान बुद्ध को हिंसा से क्या अभिप्राय था। यह एकदम स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध जीव हत्या करने की चेतना और जीव हत्या करने की आवश्यकता में भेद जानते थे। उन्होंने जीव हत्या करने की चेतना वहीं मना कर दी जहाँ जीव हत्या करने की आवश्यकता नहीं थी, और जहाँ जीव हत्या करने की आवश्यकता थी उन्होंने वहाँ कभी मना नहीं किया। प्रियजनों, भगवान बुद्ध हिंसा के समर्थक थे, पर उन्हें इसके अति में जाने का कभी आदेश नहीं दिया। जिन लोगों को भगवान बुद्ध के हिंसा का ठीक से ज्ञान नहीं, उन्हें यह भ्रांति है कि हिंसा परमोधर्म भगवान बुद्ध की ही है, परंतु यह असत्य है। बुद्ध ने कभी भी गृहस्थों का आदेश नहीं दिया। उनका धर्म तो मध्यम धर्म है। उनका कहना है कि इतना अधिक हिंसावादी ना बनो कि लोग तुम पर हानि पहुँचाएं, और इतना अधिक हिंसावादी ना बनो कि लोग तुमसे घृणा करें। मध्यम मार्ग सही मार्ग है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक दुखी मानव को दुखी से छुटकारा पाने के लिए मध्यम मार्ग अपना है, जिसे अपनों में कोई कठिनाइयां नहीं होती है। आदरणीय भंते जी, हम सब जानते हैं आज हमारे पूरे विश्व में भ्रष्टाचार, अराजकता, लोभ, हिंसा का बोलबाला है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इससे अछूता है। लोगों की कमजोरी का फायदा उठाना आज एक आम बात है, कहीं पर शांति नहीं है। ऐसे में बुद्ध के संदेश में क्या करते हैं, शांति का पाठ पढ़ाते हैं। हम लोग बुद्ध के उपदेश शारीरिक एवं मानसिक शांति प्रदान करते हैं। बुद्ध का कहना है कि शारीरिक एवं मानसिक शांति का प्रदान है गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी। बुद्ध का कहना है कि अगर हर मनुष्य मेरे धर्म के अनुसार पहला मध्यम मार्ग, दूसरा पंचशील, तीसरा अष्टम मार्ग का अनुसार करो तो निश्चित ही है मनुष्य के जीवन में शांति आ जाएगी। ऐसा करने से पूरे विश्व में शांति का संचार होगा। इन तीन संगतियों के पीछे शांति का सार छुपा हुआ है, क्योंकि जब हम मध्यम मार्ग को अपनाएंगे तो किसी भी चीज से बच सकते हैं, चाहे वह क्रोध हो, वासना हो अथवा हिंसा हो, दरमियाने रास्ते का अपना कर हो, इससे अपने जीवन को सफल और उन्नत बना सकते हैं। आदरणीय उपस्थित जनों, हम सब जानते हैं अगर हम सभ्य और स्वस्थ समाज की कल्पना करते हैं तो हमें नैतिकता का ध्यान आता है। ऐसे में भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पंचशील हमें याद दिलाता है। पहला पंचशील हमें बिना भेजा झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना और नशीले पदार्थों का सेवन ना करना सिखलाता है। आज हमारे पूरे विश्व में अराजकता का बोलबाला है। पंचशील हमें उन्हीं सब कुकर्मों को दूर रखने सिखलाता है। पंचशील व्यक्ति और समाज को मापने का मापदंड है। आदरणीय उपस्थित जनों, हम सब जानते हैं भगवान बुद्ध को अष्टम मार्ग का उल्लेख किया है। अगर हम इसका अनुसार करें तो हम एक आदर्श समाज बना सकते हैं। अष्टम मार्ग हमें बुद्धि की कसौटी पर परखना सिखाता है। इसी के साथ मैं मुस्कान अपने भाषण को समाप्त करते हुए मंगल कामना करती हूँ। हम सब बुद्ध के बताए हुए उपदेशों का अनुसार करें और किसी को कष्ट न पहुँचाएं। धन्यवाद।